कंगना रनौत के खिलाफ बोलने पर ये बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट हो गया बुरी तरह ट्रोल। ट्रोल से परेशान होकर किया अपना पोस्ट डिलीट कर लोगों से मांगी माफी। वल आखिर कौन है बिग बॉस का ये एक्स कंटेस्टेंट, चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग खुद की राय बिना किसी झिझक के रखते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें निशाना बनना पड़ता है ट्रोल्स का। और अब बिग बॉस के एक ऐसे एक्स कंटेस्टेंट हैं जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एक्टर समीर सोनी की। समीर सोनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ आए दिन कुछ न कुछ दिलचस्प पोस्ट शेयर करते दिख जाते हैं। वहीं हाल ही में किया गया उनका एक पोस्ट ट्रोल्स के निशाने पर आ गया है। समीर सोनी ने कंगना के एक इंटरव्यू में दिए गए बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में ट्रोल करने लगे। वहीं ये सब देखकर परेशान हुए समीर ने पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने फॉलोअर्स से माफी भी मांगी। दरअसल कंगना का रिपब्लिक को दिया हुआ एक इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है, जिस पर समीर सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, मैंने पहले भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन एक बड़ी ट्रेजेडी है और वो न्याय का हकदार है, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो उनकी मौत को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खेदजनक। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि एक मृत इंसान के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना बंद करो। वहीं इस पोस्ट के बाद समीर सोनी को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर समीर ने ना सिर्फ पोस्ट डिलीट किया बल्कि एक और पोस्ट शेयर कर माफी भी मांगी। उन्होंने अपने अगले पोस्ट में लिखा, मुझे ट्रोल होने का पहला अनुभव देने के लिए आपका शुक्रिया, मैंने आज बहुत कुछ सीख लिया। इस पोस्ट के कैप्शन में समीर ने लिखा, माफी और सभी को प्यार। वहीं जहां समीर सोनी ने कंगना पर निशाना साधा था, तो वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने कंगना के सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की। तो क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।